दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए असम राइफल्स सीधी भर्ती 2024 की अपडेट लेके आ चुके हैं। इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी 28 सितंबर से शुरू होने जा रही है। स्पोर्ट कोटा की यह भर्ती है। ऑल इंडिया से मेल फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए खास बात यह रहेगी कि यहाँ पर आपको कोई भी रिटर्न एग्जाम नहीं देना होगा। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 27 अक्टूबर 2024 है। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी दिखाएंगे कि क्या यहाँ पर वैकेंसीज निकली है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और फिजिकल क्राइटेरिया इसमें आपका क्या रहने वाला है, कैसे आप इस भर्ती की ऑफिशियल नोटिफिकेशन के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं असम राइफल्स स्पोर्ट कोटा रिक्रूटमेंट 2024 की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, असम राइफल्स के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। स्पोर्ट कोटा की भर्ती है। यहाँ पर पोस्ट है इसमें राइफल मैन जनरल ड्यूटी GD और राइफल वोमैन जनरल ड्यूटी GD की। टोटल यहाँ पर 38 वैकेंसीज निकली है। आवेदन इसके लिए 28 सितंबर से शुरू होने जा रहे हैं। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 27 अक्टूबर 2024 है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 27 अक्टूबर है। रिक्रूटमेंट रैली की डेट 25 नवंबर 2024 से चलेगी। 21,700 से 69,100 सैलरी है प्रति माह के लिए। 10वीं पास कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। 18 से 23 वर्ष आयु सीमा है। फीस जनरल OBC WS के लिए 100 रुपये है। SC ST फीमेल को कोई भी शुल्क जमा नहीं करना होगा। सिलेक्शन बिना एग्जाम बिना परीक्षा के होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, PhD, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन या रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन और स्पोर्ट ट्रायल्स के आधार पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। assamrifles.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इस भर्ती की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड करने के लिए और डायरेक्टली अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट indsarkarinaukri.in का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके इस पेज के एंड में आप देख सकते हैं इंपोर्टेंट लिंक्स का ये सेक्शन दिया गया है। जैसे आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करोगे तो इसकी ये PDF ओपन हो जाएगी। असम राइफल्स की ओर से मेरिटोरियस स्पोर्ट पर्सन का ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। रिक्रूटमेंट रैली की अपडेट है। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑनलाइन आवेदन पत्र आपसे मंगाए जा रहे हैं। यहाँ पर आवेदन की डेट दी गई है, साथ साथ रिक्रूटमेंट रैली की डेट दी गई 25 नवंबर 2024 है। यहाँ पर आपको सबसे पहले इसमें वैकेंसीज दी गई है। राइट साइड में आप यहाँ पर एज लिमिट, क्वालिफिकेशन और स्पोर्ट क्वालिफिकेशन चेकआउट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो 18 से 23 वर्ष इसमें आपकी आयु सीमा रहेगी। मेट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं पास अप्लाई कर सकते हो और स्पोर्ट क्वालिफिकेशन के अंतर्गत देख सकते हो यहाँ पर पार्टिसिपेट होना चाहिए कैंडिडेट का इंटरनेशनल चैंपियंस या नेशनल चैंपियंस या इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स में या फिर नेशनल स्पोर्ट में या फिर गेम्स में स्कूल या खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स या खेलो इंडिया यूथ गेम्स या खेलो इंडिया विंटर गेम्स या खेलो इंडिया पारा गेम्स में। तो यहाँ पर ये स्पोर्ट क्वालिफिकेशन दी गई है, ये भी आपकी होना अनिवार्य है। कोई एक क्वालिफिकेशन से आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आपको स्पोर्ट वाइज और मेल फीमेल वाइज वैकेंसीज दी गई है। 19 वैकेंसीज मेल फीमेल के लिए है। यहाँ पर एथलेटिक्स में देख सकते हो यहाँ पर 400 मीटर लॉन्ग जंप और यहाँ पर आप देख सकते हो जेलिन के लिए यहाँ पर दो वैकेंसीज दे दी गई है। इसी तरह यहाँ पर फेंसिंग के लिए 4 वैकेंसीज है, फुटबॉल के लिए 6 है और साथ साथ यहाँ पर आर्चर के लिए 6 वैकेंसीज है, बैडमिंटन के लिए 4 है, शूटिंग स्पोर्ट के लिए 4 है, जूडो के लिए 4 है और कराटे के लिए 4। टोटल 38 वैकेंसीज यहाँ पर निकली है। इसी तरह एज रिलैक्सेशन भी दी गई। राइट साइड में आप कैटेगरी वाइज चेकआउट कर सकते हो। अलग अलग कैटेगरी के लिए आयु सीमा दी गई है। हाउ टू अप्लाई का ये प्रोसीजर दिया गया है जिसको फॉलो करते हुए आप सिंपल वे में इस भर्ती का फॉर्म फिल कर सकते हो। यहाँ पर फीस दी गई 100 रुपये फीस है। SC ST फीमेल को फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन कैंडिडेट SBI करंट अकाउंट में यहाँ पर फीस पेमेंट करेंगे। यहाँ पर आपको एड्रेस दिया गया है और यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर दिया गया जिसमें आपको यहाँ पर ये अमाउंट जमा करना होगा। सिलेक्शन राइट साइड में है। कैंडिडेट वेरिफिकेशन, इंटेलिजेंट डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर आपका सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में फिजिकल होगा, उसके बाद में स्पोर्ट ट्रायल होगा। इसके लिए देख सकते हो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की डिटेल दी गई है। ऑल कैंडिडेट ऑल कैटेगरीज के लिए देख सकते हो हाइट 170 सेंटीमीटर है मेल के लिए, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर है, चेस्ट 80 है, नॉर्मल और फुलाने के बाद में 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। इसी तरह रिलैक्सेशन यहाँ पर आपको दिया गया है। अलग अलग कैटेगरी के लिए यहाँ पर छूट दी गई है हाइट और चेस्ट में, जो आप यहाँ से
अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, या फिर ये पीडीएफ डाउनलोड करके भी आप जानकारी रीड आउट कर सकते हो। साथ साथ यहाँ पर आपको आई साइट की जानकारी दी गई है, फिजिकल के डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के अंतर्गत यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। तो अप्लाई करने से पहले आपको नोटिफिकेशन की पीडीएफ पूरा पढ़ना अनिवार्य है, इसको पूरा पढ़ने से आपके सभी सवालों डाउट क्लियर होंगे। पीडीएफ रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया, इस लिंक पर क्लिक करके इसका ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 28 सितंबर को ही आपका अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप फॉर्म फिल कर सकते हो। लेफ्ट साइड में लेटेस्ट का सेक्शन है, यहां से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, डायरेक्टली अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से आप असम राइफल्स स्पोर्ट कोटा की इस भर्ती के लिए फॉर्म फिल कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।